जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्य भामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने को महल में चले गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। पहला रात्रि जागरण, दूसरा प्रातःकाल का स्नान, तीसरा तुलसी वट सिंचन, चौथा उद्यापन और पांचवा दीपदान। यह पांच कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला है, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है मोक्ष की छाने करने वाला या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह ये है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय है तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला है। व्रत किसी तरह भी नहीं तोड़ना चाहिए। श्री छूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सके, दूसरे के दीप के वायु आदि की भरी भांति रक्षा करें और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव भगवान की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। और इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शोन का आदि ऋषियों ने कहा, अपने गौ तथा ब्राह्मणों के सर्वदर्शी पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार में आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिदेव को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।